आयुष कुमार और आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में और उसके इवोल्यूशन के बारे में। तो हम इस वीडियो को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो पहला पार्ट ये है। दूसरा है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, आज हम यही दो कवर करेंगे। और अगले वीडियो में हम दो और करेंगे जिसका है नाम डिटेल्स ऑफ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मतलब जो जनरेशंस है उसके डिटेल्स और कंप्यूटर लैंग्वेज के। और ट्रांसलेटर प्रोग्राम, बहुत सारे ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कंपाइलर ये सब। तो कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, हमसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए किसी भी हमें कुछ उसको करने। जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे कंप्यूटर में तो हमें उसको नंबर्स बताने होंगे, ये नहीं कि वो खुद ही कर लेगा। तो हमारा जो माइंड है वो तो खुद ही वो कर लेता है, उसके मन में खुद आता है। लेकिन कंप्यूटर का को हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है, ऐसे थोड़ी ना है कि हम उसको इंस्ट्रक्शन दिए बिना ही। जैसे मैं अभी लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, तो अगर मैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए बोलूँ ही ना, उस पर क्लिक ना करूँ तो कैसे होगा रिकॉर्ड। तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जिससे वो परफॉर्म करता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, जैसे जो डेवलपर्स होते हैं, जैसे प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो वैसे ही उसके डेवलपर्स उसको कोडिंग से डेवलप करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग, वो होता है प्रोग्रामिंग। और उसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पाइथन, फिर जावा, फिर HTML, फिर बहुत सारे हैं और उनका अपना स्पेसिफिक रूल होता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने प्रोग्रामर्स के लिए इजी कर दिया है कि पावरफुल हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बना पाए एक इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में। बहुत आसानी से बनेगा और बहुत अच्छा भी दिखेगा, और जो यूज़र उसको देख रहा है इंस्टॉल किया है ऐप को तो उसको भी अच्छा लगेगा। ये जो जियो या आई होता है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या यूज़र इंटरफेस भी आप बोल सकते हैं, तो उसको वो ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगेंगे आपके। तो ये था फर्स्ट पार्ट, अब हम सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, पहले जैसे आपने सुना होगा पहले ह्यूमंस एक बंदर जैसे एनिमल थे, फिर वो धीरे धीरे करके हम होमो सैपनिस सैपनिस बन गए, अभी हम बहुत डेवलप्ड हमारा ब्रेन हो गया है। वैसे ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जर्नी है, वो भी इवॉल्व होते हुए और यूज़र फ्रेंडली होते हुए, मतलब यूज़र को और अच्छा लगने लगा उस प्रोग्राम को यूज़ करना और वो पावरफुल भी हो गए। तो ऐसे ही हमारी तरह वो भी इवॉल्व हुआ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th generation है, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो ये जो डिफरेंट फेजेस है इसी को हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो चलते हैं, हम सीखते हैं 5 generations होते हैं, उन सब को हम नेम करते हैं। तो पहला है 1st generation लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं इसको। फिर 2nd generation लैंग्वेज, इसको आप वो असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। फिर 3rd generation लैंग्वेज, आप इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। फिर आता है 4th generation लैंग्वेज, इसको आप वेरी हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। फिर लास्ट में आता है जो अभी डेवलप ही हो रहा है और हमारे डेली लाइफ में भी है, जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, इन सब में ये यूज़ होता है। गेस कीजिए 5th generation लैंग्वेज, और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI भी आप इसको बोल सकते हैं। सो जो नेक्स्ट पार्ट है जो इनका नाम है डिटेल्स ऑफ द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मतलब इन सब का डिटेल्स हम अगले वीडियो में जानेंगे। और ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बारे में भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।